हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डिसीजल लर्निंग तो डिसीज लर्निंग टीम इज़ वेरी हैप्पी कि आप सब लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा गया जो भी हमने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हुआ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल से थे ठीक है इंग्लिश के भी जो क्वेश्चन थे वो हमारे क्लासेस के डिस्कशन एंड हमारे स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज से थे जो क्लास नोट से भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे ये मैं कब बता रहा हूँ जब मैंने बच्चों के साथ डायरेक्टली एग्ज़ाम हॉल के बाहर ठीक है बात किया एग्ज़ाम से जैसे वो निकले मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ बात किया स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एंड ये मुझे पता चला कि लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली थे टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन हमारे जो जितने भी हमने प्रोवाइड किया स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज के अंदर सब कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे थे इंग्लिश के भी क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज से आए हैं रीजनिंग का अगर हम बात करेंगे तो रीजनिंग का लेवल थोड़ा टफ था रीजनिंग कुछ कुछ जो है तुम्हारा लाइक आउट ऑफ सिलेबस ऐसा बोल रहे हैं बाकी हमारे रीजनिंग के टीचर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये जो लाइक like, मैं लाइव आऊँगा आप लोगों के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो लाइव के लिए मैं डेफिनेटली एक लाइव सेशन लाऊंगा जिसमें हम पूरा तीनों सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे लेकिन अभी पहले हम लोग तीन पार्ट में डिस्कशन करेंगे लेवल वन का सेट ए का क्वेश्चन हम डिस्कसन कर रहे हैं तीन पार्ट्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे ठीक है फर्स्ट पार्ट में आपका इंग्लिश डिस्कशन होगा सेकेंड पार्ट में आपका टीचिंग एपटो डिस्कशन होगा थर्ड पार्ट में आपका रीजनिंग एबिलिटी का डिस्कशन होगा तो एक एक करके डिस्कस करते हैं दिस इज़ पार्ट वन एंड हम लोग इसमें इंग्लिश का ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फिर मैं लाइव भी आऊँगा आपका लाइक कट ऑफ कितना जाएगा ये सब चीज़ डिस्कशन करने के लिए डोंट वरी मैं आपका लाइव सेशन में आप लोगों का रिव्यू लूंगा ठीक है तब तक के लिए वेट करो लेकिन पहले हम लोग आंसर की देख लेते हैं अनऑफिशियल आंसर की क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं ठीक है फर्स्ट आपका पैसेज देखो एक्सपेक्टेड टाइम ट्वेंटी मिनट्स वगैरह आप सब जानते हो ठीक है तो पैसेज पहला था वन टू फाइव क्वेश्चन नंबर पैसेज था देखो मैंने आपको दो टेक्निक बताया था एक तो पैसेज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ो दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन देख के पैसेज का जो है तुम ढूंढ लो पैसेज का जो है वहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर पैसेज से लो तो आपने जो भी टेक्निक यूज किया होगा वो आपके ऊपर है लेकिन हम मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट आंसर ठीक है चूज़ द बेस्ट रीज़न फॉर ग्रेट डिमांड ऑफ एक्चुअरीज़ ठीक है मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है ठीक है जो मैं आपको टेक्निक बताया था डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के भी हम लोग आंसर ढूंढ सकते हैं चूज द बेस्ट रीज़न फॉर द ग्रेट डिमांड ऑफ एक्चुरीज ठीक है तो यहाँ पे इसका लिखा हुआ है इसका आंसर पूरा लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअज आर इन हाई डिमांड बिकॉज द पॉज ए यूनिक सेट ऑफ स्किल दैट आर हाईली वैल्यूड बाय एम्प्लॉयर्स अक्रॉस द वर्ल्ड दिस इज द एग्जैक्ट सेंटेंस जिसको आपको यहाँ पे मार्क करना था ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन में ही बोल रहा है चूज द बेस्ट रीजन फॉर द ग्रेट डिमांड ऑफ एक्चुअरीज तो यहाँ पे बोल रहा है हाई डिमांड का मतलब क्या है ग्रेट डिमांड सो रीजन भी यहाँ पे दिया है बिकॉज का मतलब क्या है बिकॉज रीजन जब मांगते हैं आपको बिकॉज वाला सेंटेंस होता है ठीक है बहुत सिंपल मैं आपको बहुत ही लाइक कॉमन सेंस वाला लाइक like एक्सप्लानशन आपको दूंगा ठीक है चूज द बेस्ट रीजन फॉर द ग्रेट डिमांड एक्चुअली समझ में आ गया आपको एक्चुअली आर इन हाई डिमांड बिकॉज दे पॉजेस ए यूनिक सेट ऑफ स्किल यूजफुल फॉर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ठीक है एम्प्लॉयर्स मतलब कौन जो एम्प्लॉयमेंट देता है ठीक है एम्प्लॉय मतलब कौन जो एम्प्लॉय जो जॉब लेता है ठीक है जो जॉब करता है उसको एम्प्लॉई कहते हैं जो जॉब देता है उसको एम्प्लॉयर कहते हैं ठीक है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंटरेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज प्राइमरी रिक्यूजाइड फॉर सिलेक्टिंग एक्चुरील साइंस फॉर ठीक है यहाँ पे भी इसका भी मैं क्लियर आंसर आपको दिखा दूंगा इसका आंसर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे पैराग्राफ में मैं आपको दिखाया था हूँ यहाँ पे लिखा है कि इफ़ स्टूडेंट्स फील एक्साइटेड अबाउट एक्सप्लोरिंग डेटा एंड एंड एंजॉय लर्निंग स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स दैन देस परस्यू ए करियर इन आरकी सॉरी एक्चुअल साइंस यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पे क्या लिखा है क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या था आपका इंटरेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज प्राइमरी रिक्वज फॉर सेलेक्टिंग आर एक्चुरियल साइंस तो आंसर है आपका मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स मैथ लिखा था तो यहाँ पे क्या लिखा है मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है ठीक है ये जो पैसेज टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना इसमें कॉमन सेंस लगाना होता है इसमें लगे आपको जो पैसेज में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है आपको अपने हिसाब से आंसर नहीं करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूजफुल इन फॉर एसेसिंग द फाइनेंशियल इम्पैक्ट फॉर द इवेंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर ठीक है इसमें से कौन सा क्या है मोस्ट यूजफुल फॉर द फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो देखो फाइनेंशियल इम्पैक्ट यहाँ पे भी क्वेश्चन में आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में एक सेंटेंस है पूरा क्वेश्चन को लाइक पूरा जो पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आंसर तो मिल जाएगा बिना पढ़े आप कैसे ढूंढ सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है देखो कि इट इज ए मल्टी डिसिप्लिन फील्ड इन कॉम्बाइनिंग इट इज अ मल्टी डिसिप्लिन फील्ड कॉम्बाइनिंग मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एक्चुअलीज आर यूज दे आर एक्सपर्टीज इन इन थ्री एरियाज टू एक्सेस एंड मैनेज फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ वट आन सर्टेन इवेंट सच एज नेचुरल डिजास्टर एक्सीडेंट एंड इलनेस इसमें आपको आंसर मिल जाएगा क्या क्या है तुम्हारा मेनली तुम्हारा है मैथ्स स्टैटिस्टिक्स फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स ठीक है मैथ्स स्टैटिस्टिक्स फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स ये तीन तुम्हारा एरिया है, है तो यहाँ पे दिया है कौन कौन सा देखो यहाँ पे कंप्यूटर मॉडलिंग दिया है क्या नहीं है पैसेज में नहीं है प्रोबेबिलिटी थ्योरी पैसेज में है क्या नहीं है स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग दिया है पैसेज में नहीं दिया है तो आंसर क्या होगा स्टैटिस्टिकल एक्सपर्टीज आपने कैसे सॉल्व किया एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व किया ठीक है इस तरह का एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको जो है आगे टीचिंग एप्ट में भी आपको हेल्प करेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन वन हैज टू क्लियर इन ऑर्डर टू बिकम एन एक्चुअली कौन सा एग्जामिनेशन देना चाहिए इसका भी डायरेक्ट आंसर आपको पैसेज में है अपने हिसाब से आंसर नहीं करना है पैसेज में जो लिखा है उसी को आपको चूज करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे लिखा है बट फॉर बिकमिंग एन एक्चुअरी इन इंडिया वन नीड्स टू क्लियर ए सीरीज ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ऑफर्ड बा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज इन ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरी ऑफ इंडिया आई ए आई विच इज देयर प्रोफेशनल बॉडी दैट गवर्न द एक्चुअरियल पोजिशन ऑफ प्रोफेशन ऑफ इंडिया ओके एक्चुअल प्रोफेशन इन इंडिया ठीक है तो क्या है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ओके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन क्लियर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन क्लियर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये चार क्वेश्चन क्या था डायरेक्ट था ठीक है चार क्वेश्चन डायरेक्ट था आई होप ये चारों के चारों क्वेश्चंस आप सब लोगों ने करेक्ट किया होगा ठीक है ये चार क्वेश्चन आप लोगों ने सब लोगों ने करेक्ट किया होगा अगर आपने करेक्ट किया तो एट मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से चार क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कुछ कुछ लोग ने मतलब यहाँ पे करेक्ट नहीं किया होगा शायद क्योंकि ये तुम्हारा लाइक आपका अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है बाकी जो चार क्वेश्चन था वो आपका डायरेक्ट पैसे से कॉमन सेंस से आंसर मिल जाएगा लेकिन ये इसको आप कैसे समझते हो अंडरस्टैंडिंग एंड भोकाबुलरी लाइक like, आपको हेल्प करेगा आपको ठीक है तो यहाँ पे क्या बोला विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट यूज इन द पैसेज द फ्यूचर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स तो प्रोस्पेक्ट्स का क्या मतलब है यहाँ पे एक बार यहाँ पे पढ़ लो सेंटेंस आप समझ जाओगे ठीक है यहाँ पे एक बार आप पढ़ लो फ्यूचर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स कहाँ लिखा है एक बार हम देख लेते हैं ठीक है ओके स्टार्टिंग से देख लो कहाँ फ्यूचर कैरियर प्रोस्पेक्ट के बारे में लिखा हुआ है लास्ट में लिखा है आई थिंक ओके जस्ट लेटस सी यहां लिखा है देखो दे स्ट्रॉग इंटरनेशनल कैरियर प्रोस्पेक्ट फॉर देम इसके बाद तुम्हारा हाँ यहाँ लिखा है देखो द फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट फॉर एक्चुअली आर वेरी पॉजिटिव ये सेंटेंस देखो द फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट फॉर एक्चुअली आर वेरी पॉजिटिव एंड एज एज दे हैव ओपनिंग इन बैंकिंग एनर्जी सेक्टर टेलीकोम्युनिकेशन इंश्योरेंस कंपनी कंसल्टिंग फॉर्म्स तो ये सेंटेंस से तुम्हारा आंसर मिल जाएगा द फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स एक्चुरीज आर वेरी पॉजिटिव ये सेंटेंस को पढ़ के अभी हम लोग ऑप्शन में जाते हैं ठीक है यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं द फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी पॉजिटिव ठीक है तो फ्यूचर करियर फोरकास्ट तो नहीं होगा ठीक है फोरकास्ट का मतलब क्या होता है अनुमान करना होता है फोरकास्ट नहीं होगा लाइकलीहुड फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है तुम्हारा ये पॉसिबिलिटी होता है प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या है पॉसिबिलिटी द फ्यूचर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स आर पॉजिटिव द फ्यूचर कैरियर पॉसिबिलिटीज आर क्या पॉजिटिव ठीक है ये क्या होगा तुम्हारा पॉसिबिलिटीज आर यहाँ पे क्या लिखा है पॉजिटिव फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज आर पॉजिटिव लाइटलीहुड नहीं है एक्सपेक्टेशन नहीं है पॉसिबिलिटी है ठीक है क्लियर तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा दिस विल बी वट पॉसिबिलिटी देखो एक चीज़ पॉसिबिलिटी का मतलब यहाँ पे लाइवलीहुड भी हो सकता है ठीक है पॉसिबिलिटी का जो सिमिलर मीनिंग लाइवलीहुड भी है बट बेस्ट एक्सप्लेन कौन करता है इस पैसेज में प्रोस्पेक्ट का तो वो तुम्हारा पॉसिबिलिटी है लाइवलीहुड नहीं है ठीक है तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाएगा अगर आपने ये सब क्वेश्चन का आंसर सही किया तो आपको पूरे दस मार्क्स मिल जाएंगे नेक्स्ट तुम्हारा देखो एट द इलेवेंथ आवर्स का मतलब क्या होता है एट द लास्ट मोमेंट इसका आंसर क्या होता है एट द लास्ट मोमेंट एट द एलेवेंथ आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ए वाइल्ड गुड चीज इसका मतलब क्या होता है फ्रूटलेस या फ्यूटाइल एफर्ट ठीक है क्या होता है फ्रूटलेस या फ्यूटाइल एफर्ट पॉइंटलेस एफर्ट ठीक है कोई फायदा जिसमें नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन बहुत लोग डाउट में है इस क्वेश्चन का मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेसन देता हूँ द फॉलोइंग सेंटेंस अज सम एरर ओके इंडिकेट दैट इंडिकेट द पार्ट हैविंग इट इफ नो एरर सिलेक्ट डी द टीचर टेस्टेड द स्टूडेंट्स इफ ही कुड रीड इंग्लिस द टीचर टेस्टेड द स्टूडेंट्स इफ ही कुड रीड इंग्लिस इस क्वेश्चन में इन जनरल अगर आप देखोगे तो कोई एरर नहीं है ठीक है नो एरोर नो एरोड डी विल बी द करेक्ट आंसर बट अगर आपको एक क्वेश्चन में लाइक डी ऑप्शन नहीं दिया होता है आपको एनी हाउ एक एरर ढूंढने के लिए बोलता तो उस केस में ये ये वी ईप जो है ना ये वेदर से रिप्लेस्ड हो जाता ठीक है ईप जो है वो वेदर से रिप्लेस्ड हो जाता ठीक है लेकिन इन जनरल ई पर वेदर में कुछ ज़्यादा लाइक आपका डिफरेंस नहीं है कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ठीक है तो देखो क्या होता है एक्चुअली मैं आपको क्लियर बताता हूँ बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट में होंगे तो देखो इन जनरल इसका आंसर डी होना चाहिए आर आई विल डेफिनेटली एन सी आर टी विल डेफिनेटली चूज द आंसर डी बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस तरह का क्वेश्चन जो होता है इसमें दो चीज़ हो सकता है ईप या वेदर ठीक है ईप के जगह यहाँ पे वेदर रिप्लेस हो सकता है ओके okay? वेदर क्योंकि बताता हूँ एक चीज़ आपको देखो जब भी हम किसी का लाइक like, एबिलिटी को टेस्ट इस इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा द टीचर द टीचर आस्कड इस तरह से हो सकता है द टीचर आस्क आस्क द स्टूडेंट्स कैन यू रीड इंग्लिश ठीक है द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स कैन यू रीड इंग्लिश ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्वेश्चन है कैन यू रीड इंग्लिश तो इसमें क्या है टीचर क्या कर रहे हैं टीचर जो है बच्चे का एबिलिटी को जानने का कोशिश कर रहे हैं ठीक थी, है ठीक है टीचर बच्चे का क्या जानने का कोशिश कर रहे हैं एबिलिटी जब भी किसी का एबिलिटी को जानना होता है लिसन वेरी केयरफुली व्हेन वी आर टेस्टिंग सम वन एबिलिटी और स्किल इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू यूज़ द वर्ड वेदर इंस्टेड ऑफ़ इफ जब भी हम किसी का एबिलिटी को जानने का कोशिश करते हैं तो उस जगह पर हम लोग का वेदर ज़्यादा करेक्ट होता है बिकॉज वेदर इंट्रोड्यूस ए चॉइस और पॉसिबिलिटी वाइल इप इंट्रोड्यूस ए कंडीशनल को क्लॉज इप क्या कंडीशनल क्लॉज है लेकिन वेदर एक चॉइस या पॉसिबिलिटी को एड करते हैं सो इन दिस केस द टीचर वॉन्स टू डिटरमाइन वेदर द स्टूडेंट्स कैन रीड वेदर द स्टूडेंट्स कैन रीड इंग्लिस क्रिएटिंग ए कंडीशनल सिचुएसन यहाँ पर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि बच्चा एबुल है कि नहीं इंग्लिश पढ़ने के लिए इसी चीज़ के वजह से यहाँ पर वेदर मोर एकट है बट बट वन सेकेंड आई एम टेलिंग इन जनरल अगर आप इसमें कोई एरर है ऐसा बोलोगे तो इन जनरल कोई एरर नहीं है क्योंकि नो no एरर भी एक ऑप्शन है तो डी विल बी करेक्ट ओके लेकिन अगर आपका डिपेंड करता है एनसीआर कौन सा ऑप्शन को चूज करता है बी अगर चूज करता है इसका मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या रिप्लेस किया है वेदर रिप्लेट किया ठीक है वेदर रिप्लेट किया तो डिपेंड करता है क्या वो चूज करते हैं मोस्ट जो तुम्हारा लाइक मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन डी होना चाहिए बिकॉज ई एंड वेदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों इस सिचुएशन में यूज हो सकता है लेकिन वो वो जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बोला उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वेदर यहाँ पे ज़्यादा फिट बैठता है लेकिन क्योंकि नो एरर ऑप्शन है तो दैट्स वाई डी विल बी टेकन ओके क्लियर तो डी इज मोस्ट अप्रोप्रेट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके जो जिन्होंने डी ऑप्शन चूज़ किया उनको करेक्ट आंसर मिल जाएगा फिर भी एन को के ऊपर डिपेंड करता है देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द अल्टरनेटिव्स सी हैज़ रिटर्न द लेटर सी हैड रिटर्न द लेटर ये सब ऑप्शन है क्वेश्चन क्या बोला है सी डिनाइड दैट सी डिनाइड दैट सी देखो डिनाइड का मतलब ये पास्ट में है ठीक है ये पास्ट में है ओके okay, तो सी हैज़ रिटर्न द लेटर तो नहीं होगा ये आपका क्या है ये भी तुम्हारा पास्ट में होगा तो सी डिनाइड सी डिनाइड दैट सी डि नॉट राइट द लेटर भी नहीं होगा ठीक है मतलब ये तुम्हारा क्या ये तुम्हारा ऑब्वियसली क्या होगा ये तुम्हारा परफेक्ट टेंस में होगा ओके परफेक्ट टेंस में होगा परफेक्ट टेंस में होगा ओके सी डिनाइड दैट सी हैड सी हैड नॉट देखो डिनाइड के बाद और फिर नॉट नहीं लगता है ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि ये तुम्हारा परफेक्ट सेंटेंस में होगा ठीक है उसने डिनाई किया कि उसने ये नहीं लिखा है ठीक है उसने उसने डिनाई किया कि उसने नहीं लिखा है मतलब उसने बोला कि उसने नहीं लिखा है ठीक है सी टोल्ड सी हैज नॉट सी हैड नॉट रिटर्न द लेटर होता अगर यहाँ पे ऐसा होता सी टोल्ड तो वो होता यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता लेकिन डिनाइड ऑलरेडी क्योंकि लग चुका है तो उसके बाद और नॉट का यूज़ नहीं होता इसलिए करेक्ट आंसर जो जाएगा, two हो जाएगा तुम्हारा टू हो जाएगा सी हैड रिटर्न द लेटर सी डिनाइड दैट सी हैड रिटर्न द लेटर उसने मना किया उसने लेटर लिखा है लेटर लिखा है इसको वो मना किया वो उस, मतलब इसका मतलब उसने लेटर नहीं लिखा है तो सिंपल क्वेश्चन था ठीक है थोड़ा कन्फ्यूज आप लोग हुए होंगे कुछ लोगों ने नॉट भी चूज किया होगा लेकिन यहाँ पे डिनाइड है ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव वर्ड है तो डिनाय क्योंकि नेगेटिव है तो उसके बाद एक और नेगेटिव यू, यूज करने की कोई जरूरत नहीं रहता है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर चूज द करेक्ट फॉर्म टू बी यूज इन द ब्लैंक कपिल देव इज वन ऑफ द प्लेयर हु डैस मेनी सेंचुरी ओके एक एक करके ऑप्शन देखते हैं ठीक है हु हैज स्कोर्ड ठीक है बिल्कुल करेक्ट लग रहा है ठीक है कपिल देव पहले जो है क्रिकेट खेलते थे जिन्होंने कोई भी अगर मतलब आ, लाइक like, आप नहीं भी जानते हो कपिल देव को तो यहाँ पे आंसर आप हु हैज स्कोर कर सकते हो हु हैज बीन मतलब यहाँ पे कपिल देव इज वन ऑफ द प्लेयर हु हैज़ बीन स्कोर मेनी सेंचुरीज नहीं होगा ठीक है क्लियर ये नहीं होगा तुम्हारा हैप स्कोर ये एक क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है थर्ड पर्सन एक नाम क्या होता है कोई इंसान है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में हैप नहीं होगा विल बी स्कोरिंग होता ठीक है विल बी स्कोरिंग फ्यूचर होता तो तो ये भी नहीं होगा विल बी विल बी जो स्कोर लिखा ये भी गलत है ठीक है ये तुम्हारा विल बी स्कोर लिखा ये भी गलत है क्लियर तो इसीलिए ये तुम्हारा तीन गलत हो जाता है हु हैज स्कोर इज़ करेक्ट हु हैज स्कोर एंड हु हैज बीन स्कोर हु हैज बीन होता तो स्कोरिंग होता ठीक है हु हैज बीन स्कोर ये भी तुम्हारा क्या है हैज बीन स्कोर नहीं यूज होता ये पैसिव में यूज हो सकता है इस तरह से ये भी गलत हो गया तो हु हैज स्कोर एलिमिनेशन मेथड से सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट बचता है तो इस तरह का क्वेश्चन में तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड काम आता है क्लियर आंसर क्या हो गया कपिल देव इज वन ऑफ द प्लेयर हु हैज स्कोर ठीक है हु हैज स्कोर मैनी सेंचुरी क्लियर तो ऑप्शन ए नेक्स्ट देखो फिर से पांच तुम्हारे पैसेज के क्वेश्चन हैं तो देखो हमने एक चीज़ नोटिस किया कि लेवल वन के केस में ना दस क्वेश्चन पूरा टेन क्वेश्चन पूरा तुम्हारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ठीक है तो पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको नेक्स्ट तुम्हारा देखो एक और तुम्हारा पैसेज है तो उसमें आ, क्या है डायरेक्टली क्वेश्चन के को देख के मैं बताता हूँ क्योंकि आपने पैसेज ऑलरेडी पढ़ा होगा मैं डायरेक्टली क्वेश्चन देख के बताता हूँ क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डॉपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डॉपिंग इसमें कौन सा डॉपिंग के साथ रिलेटेड नहीं है ठीक है तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ड्रॉक एडिक्शन इट इज एन अनएथिकल एथिकल प्रैक्टिस इन स्पोर्ट इट हेल्प्स इन विनिंग मेडल्स बाय अनफेयर मीन्स इट इज एन टू गेन मोर एनर्जी बाय बाय टेकिंग प्रोहिविटेड सब्सटेंसेस तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको पैसेज को देखना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में जब नॉट रिलेटेड है या रिलेटेड टू पैसेज बोलता है तो उस केस में आपको आपको पैसेज को पढ़ना पड़ेगा ठीक है पैसेज को पढ़ना पड़ेगा तो यहाँ पर देख देख लेते हैं एक बार पैसेज को पढ़ लेते हैं नाडा एंड एन सी आर टी एम टू क्रिएट अवारस इन स्कूल अबाउट डॉपिंग विच इज प्लेगिंग स्पोर्ट्स ट्रैटेडी फॉर क्वाइट सम टाइम ओके विथ इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यू बेस्ट पोस्ट एजुकेशन डॉपिंग मेजर आर एफॉर्मेटिव एंड एफॉर्मेटिव स्पोर्टिंग वैल्यूज विल बी इंक्लूडेड इन स्पोर्ट करिकुलम दिस विल इनकरेज स्पोर्ट्स मैन टू रिफ्रेन फ्रॉम इंडोल्जिंग इन अनफेयर एंड अनएथिकल स्पोर्ट प्रैक्टिस तो ये ये अनथिकल बिल्कुल भी है ये तो करेक्ट है ऑल स्टूडेंट्स विल भी इंट्रोड्यूस्ड टू वैल्यू बेस्ड एजुकेशन वैल्यू स्पोर्ट्स एजुकेशन फ्राम द फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग so that they adopt clean sport practice. okay. so that they can attain, uh, sorry, clean uh, sports practice once they attain an elite level in sports. the first part deal with imparting uh, sports value for equity, fair play, integrity, which involves interaction with students, parents and teacher. the second part relates to the hardcore anti-doping measure, which are about making them aware of prohibited substances, preventing them, preventing their use by athletes the educational content required with special needs are to be able to receive concept of value based sports education to maine pura pad liya to yahan pe kya dekhne ke liye mila कि इसमें पूरा कहीं पे ड्रग एडिक्शन देखने के लिए नहीं मिला ठीक है Unethical ये लिखा है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे unfair means इट हेल्प्स इन विलिंग मेडल्स उस पर अनफेयर मीस अनफेयर मींस को दूर करने के लिए बोल रहा है तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है इट इज़ एन अटेम्प्ट टू गेन मोर एनर्जी बाय टेकिंग प्रोविटेड सब्सटेंस यहाँ पे प्रोविटेड सब्सटेंस के बारे में लिखा हुआ है उसका ही जो है यहाँ पे उसका वर्जन करने के लिए बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली है। है तो क्या है? ये कोई ड्रॉक एडिक्शन नहीं है इसको बस कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी लाने के लिए यूज किया जाता है तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इट इज अ सॉर्ट ऑफ ड्रॉक एडिक्शन ये डोपिंग के साथ रिलेटेड नहीं है नॉट रिलेटेड बोल रहे हैं ठीक है नहीं है रिलेटेड इसके साथ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज द गोल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन एज एंड बाय नाडा एंड एनसीआर टीम ओके तो यहाँ पे क्या बोला है डेवलपिंग एंड डेवलपिंग एफॉर्मेटिव स्पोर्ट्स वैल्यू एमोंग स्टूडेंट्स यहां पे देख लेते हैं देखो यहाँ पे लिखा है आंसर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन एंटीडोपिंग मेजर एंड एफार्मेटिव स्पोर्टिंग वैल्यू विल बी इंक्लूडेड इन द स्पोर्ट्स करिकुलर यही तो तुम्हारा आंसर है ठीक है यहाँ पे तो यही तो तुम्हारा आंसर है डेवलपमेंट ऑफ एफॉर्मेटिव स्पोर्ट्स वैल्यू अमंग द स्टूडेंट्स यही तो इनका जो है वैल्यू स्पोर्ट्स एजुकेशन का गोल है ठीक है यहाँ पे क्लियरली लिखा है तो ये वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन का गोल है बाकी सब तो है लेकिन ये ये भी करेक्ट है ये सब करेक्ट लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो डेवलपिंग एफॉर्मेटिव स्पोर्ट्स वैल्यू अमंग स्टूडेंट्स होगा क्योंकि पैसेज में जो क्वेश्चन का जिस तरह का आंसर दिया आपको उसको चूज करना पड़ेगा ओके क्लियर अलग अलग जगह पे ये तीनों से, चारों सेंटेंस अलग अलग, अलग जगह पे दिया है लेकिन इंट्रोड्यूसिंग का क्या गोल है इंट्रोड्यूसिंग वैल्यू वेस्ट एजुकेशन का क्या गोल है ये तुम्हारा इस सेंटेंस में दिया हुआ है ठीक है कहाँ दिया हुआ है यहाँ पे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एड स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड मेजर एंड एफॉर्मेटिक स्पोर्ट्स वैल्यू विल बी इंक्लूडेड ओके क्लियर तो ये तुम्हारा इसके अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रीजन फॉर डेवलपिंग टेकिंग बुक टॉकिंग बुक्स इन वैल्यू वेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन तो उसके बारे में क्या बोला है एक बार देख लेते हैं टॉकिंग बुक किस को चाहिए या क्या है मतलब क्यों डेवलप करना है टॉकिंग बुक वैल्यू एजुकेशन में यहाँ पर देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है ओके यहाँ पर एक बार देख लो लास्ट सेंटेंस देखो यू टूड ऑल्सो डेवलप ऑडियो एंड टॉकिंग बुक सो दट द चिल्ड्रेन स्पेशल नीड्स आर ऑल्सो बेबल टू रिसव कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू बेस्ट एजुकेशन यहाँ पर लिखा है क्लियरली तो थर्टीन का आंसर क्या होगा आंसर तुम्हारा हो जाएगा ये तुम्हारा की टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स क्लियर है थर्टीन का आंसर थ्री हो गया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंसनड इन दैसेज ऑफ स्पोर्ट्स वैल्यू इसमें से कौन सा स्पोर्ट्स वैल्यू नहीं है ठीक है आपने देखा इक्विटी है फेयर प्ले है इंटीग्रिटी है टॉलरेंस नाम का कोई वर्ड यूज नहीं है तो टॉलरेंस यहाँ पे तुम्हारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक बार तुम चेक भी कर लेना ठीक है ये सब वर्ड तुम्हारा है फ्रेटर्निटी वर्ड है कौन कौन सा वर्ड यहाँ पे है देख लो फ्रेटर्निटी वर्ड है यहाँ पे ठीक है और क्या और कौन कौन सा वर्ड है ये तुम्हारा स्पोर्ट्स मैन यंग स्पोर्ट्स को अनफेयर रहना है ऑन स्पोर्ट्स प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिस करना है ठीक है और क्या क्या है तुम्हारा वर्ड में लाइक फेयर प्ले इंटीग्रिटी ये सब तुम्हारा वर्ड है और क्या है यहाँ पे ये यह सब तुम्हारा वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड जो है तो, तो कौन कौन सा वर्ड तुम्हारा दिया है फेयर प्ले इंटीग्रिटी फ्रेटर्निटी ये सब दिया था ना एक बार देख लेते हैं फेयर प्ले इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी हाँ ये सब दिया है इक्विटी Iqu भी इक्विटी भी यहाँ पे तुम्हारा है एक वर्ड है इक्विटी यहाँ पे देख लो इक्विटी फेयर प्ले इंटीग्रिटी ठीक है तो ये तीनों वर्ड तो दिया एक साथ ही दिया हुआ है लेकिन कोई टॉलरेंस का वर्ड नहीं दिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अनएथिकल का क्या मतलब है ऑन देखो चार क्वेश्चन डायरेक्टली हमने एक चीज़ नोटिस किया कि चार क्वेश्चन डायरेक्ट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है दोनों पैसेज में हमने देखा चार क्वेश्चन डायरेक्ट पैसेज बेस्ड है तो कोई कुछ भी नहीं जानता है अच्छे से बस प्रैक्टिस किया हुआ है तो वो एट मार्क्स एक पैसेज तो डेफिनेटली ला सकते हैं लेकिन ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है दोनों पैसेज में हमने ये देखा जिसमें आपको कोई मीनिंग ढूंढने के लिए बोला जा रहा है ठीक है जिसमें आपको कोई मीनिंग ढूंढने के लिए बोला जा रहा है तो अनएथिकल का क्या मतलब है आप सब लोगों ने डेफिनेटली जो करेक्ट आंसर चूज किया होगा अनएथिकल का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है इमोरल जो सही नहीं है अनएथिकल का मतलब क्या है जो मोरली रॉन्ग अनएथिकल का मतलब क्या है कोई चीज़ जो मोरली क्या है गलत है हमको नहीं करना चाहिए ऐसा चीज़ ठीक है मोरली रॉन्ग और जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल से स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट है उसको वायोलेट करता है ठीक है तो नहीं करते हैं वो चीज़ तो वो हमारा मोरली करेक्ट है नहीं करना मतलब मोरली रॉन्ग ऑन क्या हुआ इमोराल मेंटल जो मोाल रॉन्ग है उसको हम क्या बोलेंगे इमोरल बोलेंगे ठीक है इमोरल अनथिकल बिहेवियर कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन कल्चर सोसाइटी एंड प्रोफेशनल नॉर्म्स बट हम कोई फेयरनेस रेस्पेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी खिलाफ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है इमोरल या अनथिकल बोला जाता है तो इसका करेक्ट आंसर तुम्हारा इमोरल हो जाएगा ठीक है मोरलिटी के अगेंस्ट है ठीक है एथिक्स मतलब क्या एक तरह सा मोरलिटी है उसके खिलाफ जाना मतलब इमोराल हो जाना ठीक है मोरलिटी के खिलाफ जाना नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इसमें से कोई इनकरेक्ट आपको ढूंढना है कौन सा इनकरेक्ट है अभी यहाँ पैसेज खत्म हो गया ठीक है यहाँ पैसेज तुम्हारा खत्म हो गया अभी तुमको आना है नेक्स्ट तुम्हारा ग्रामर ग्रामर वाला क्वेश्चन में ये करेक्ट मेक द सेंटेंस करेक्ट वाला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग मैथमेटिक्स इज नॉट ए सब्जेक्ट आई एम इंटरेस्टेड विथ ठीक है आई एम इंटरेस्टेड विथ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इंटरेस्टेड इन आई एम इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स ओके आई एम इंटरेस्टेड इन जब कोई सब्जेक्ट होता है ना तो उसके उसके पहले इंटरेस्ट के साथ इन लगता है ठीक है इंटरेस्टेड इंटरेस्ट आई हैव इंटरेस्ट इन फॉर एग्जाम्पल जोग्राफी या मैथ या इंग्लिश तो इंटरेस्ट के साथ क्या लगता है यहाँ पे इन लगता है यहाँ पे ये तो पहला ही सेंटेंस गलत है पहला सेंटेंस गलत है ठीक है पिजन फाइंड इट डिफिकल्ट पिजन फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव इन सिटीज ठीक है कोई दिक्कत नहीं है पिजन फाइंड इट डिफिकल्ट टू पीजन्स है तो पीजन्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव इन द सिटी करेक्ट है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ओके दिस इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ओपन दिस नॉट कोई गलत नहीं है ये भी करेक्ट है ठीक है सिक्स माइल्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस हाँ जब कोई एक लाइक uh, like, मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम एक साथ बोलते हैं तो वहाँ उसके सामने ईज लगता है ये सब चीज़ अपने को जो पेड कोर्स में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया गया लाइव क्लासेज जो हम लोग गूगल मीट के थ्रू करते हैं उसके थ्रू सब कुछ पढ़ाया गया है डायरेक्ट हमारे कोचिंग के अंदर का क्वेश्चन है पूरा स्टडी मटेरियल के अंदर भी ये सब चीज़ है तो देखो कोई अगर लाइक like, चाहते हो अच्छे से पढ़ाई करना तो यू कैन ज्वाइन आवर डिटेल प्रोग्राम विच इज द लाइक डिफरेंट कोर्स होता है पेड कोर्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मतलब आर के लिए जो भी अप्रोप्रेट पेड कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो एंड अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो क्योंकि आप लाइक like, हज़ार बारह सौ रुपये देकर फॉर्म भर रहे हो एक साल का मेहनत कर रहे हो तो और लाइक आपका जितना भी कोर्स प्राइस है लाइक फोर थाउजेंड या फाइव थाउजेंड जितना भी लाइक कोर्स प्राइस होगा ठीक है जितना भी होगा लाइक इंक्लूडिंग मेटेरियल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है तो जितना भी कोर्स प्राइस होगा ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है बिकॉज आपको जो नॉलेज यहाँ पर मिलेगा दैट नॉलेज इज नॉट ओनली फॉर दिस एग्ज़ाम आपका तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैक हो जाएगा ठीक है इसके साथ साथ आगे जाके जब को आप जब आपको नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम देना है वो भी आप इजीली क्रैक कर सकते हो दिस इज़ नॉट ए ग्रेट अमाउंट इसमें आपको पूरा वन ईयर का कोर्स दिया जा रहा है विच इज़ नॉट ए बिग अमाउंट यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन आर कोर्सेस टू गेट प्रॉपर गाइडेंस हमने जो जो बच्चों को गाइड किया है ना जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया हम मैं उनका वीडियो इस बार शेयर करूँगा लास्ट दो साल से हम लोग कर रहे हैं मतलब पढ़ा रहे हैं कोचिंग लेकिन मैं कोई वीडियो नहीं बना पाता टाइम नहीं होता है बोल के इस बार मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये तो सिक्सटीन का वन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट वर्ड ठीक है कैटलॉग जानते हो आप लोग बहुत अच्छी तरह से बहुत बार हमने डिस्कशन किया है कैटलॉग ठीक है तो ये कैटलॉग सही है ओके okay, बाकी सब गलत है कैटलॉग का स्पेलिंग ये वाला ही सही है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वूच सॉरी चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फेस द म्यूजिक चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द मीडियम फेस द म्यूजिक फेस द म्यूजिक का मतलब होता है बी आर द कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है बी आर द कंसिक्वेंसेज ओके सिंपल था यहाँ पे ये यह सब हमने डिस्कस किया था अपने क्लासेस में आई मेड डैश अमेरिकन जेंटलमैन अमेरिकन आर्टिकल भी हमने डिस्कशन किया था आई मेड एन अमेरिकन जेंटलमैन ए तो नहीं होगा क्योंकि ए आई ओ यू क्या होता है ए ई आई ओ यू अगर लगा है ठीक है और साउंड भी एक चीज़ है मतलब कभी कभी क्या होता है ना लाइक like, यूनिवर्सिटी होता है ना उसके सामने ए लगता है यूनिवर्सिटी जो होता है वो सब चीज़ हमने डिस्कस किया हुआ है वावल साउंड कॉन्सनेट साउंड ये सब चीज़ हमने डिस्कशन किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे एन लगेगा हीच और हिम तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा एलिमिनेट हो गया तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का देखो चूज द करेक्ट प्रिप्रेशन द बॉय हैड टू ऑफर एपोलॉजी डैश हिज रूड बिहेवियर फॉर होता है एपोलॉजी के साथ क्या होता है फॉर होता है बहुत बार हमने सब चीज़ डिस्कशन किया अपने uh, जो क्रैश कोर्स में या आपने फुल ईयर के कोर्स में देखो मैं आप सबको ना रिकमेंड करूँगा आप डेफिनेटली हमारा फुल ईयर कोर्स ज्वाइन करो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है लास्ट में ज्वाइन करोगे एक मंथ में तो आपको दिन में चारा, चार साथ, चार सात चार से सात घंटा पढ़ाया जाता है ठीक है उससे बेहतर है आप जो है फुल ईयर कोर्स ज्वाइन करो एंड आराम से इजीली पूरा आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको इतना बड़ा एग्जाम जिसमें सिंगल डिजिट के सीट्स होते हैं उसको लाइक like, पाना चाहते हो उस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो उस उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना चाहते हो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू टू ज्वाइन आर फुल ईयर कोर्स ठीक है तो मैंने विद एक्सप्लेनेशन आपको सारा चीज़ बताया एक बार फिर से मैं बता देता हूँ तो जो जो आंसर है तुम्हारा पहला आंसर क्या है वन का तुम्हारा हो जाएगा फोर टू का क्या हो जाएगा तुम्हारा थ्री थ्री का क्या हो जाएगा फोर ठीक है मैच करते रहो फोर का क्या हो जाएगा तुम्हारा वन फाइव का क्या हो जाएगा फोर ठीक है उसके बाद देखो सिक्स का क्या हो जाएगा तुम्हारा सिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा थ्री ठीक है द लास्ट मोमेंट सेवन का तुम्हारा हो जाएगा टू ठीक है एट का तुम्हारा क्या हो जाएगा फोर नो एरर ठीक है यहाँ पे एट का क्या हो जाएगा नो no एरर हो जाएगा बाकी यहाँ पे फिर भी जैसे मैंने बोला अगर वो वेदर को ही चूज करेंगे तो बी भी, भी ले सकते हैं लेकिन इन जनरल फोर होना चाहिए करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट नाइन का हमने क्या देखा नाइन का आंसर हो जाएगा टू ठीक है टेन का क्या आंसर हो जाएगा वन ओके okay, फिर उसके बाद इलेवन इलेवन का देखो इलेवन का क्या डिस्कशन किया हम लोगों ने वन करेक्ट आंसर है ट्वेल्व का क्या करेक्ट करेक्ट आंसर है ट्वेल्व का तुम्हारा वन है थर्टीन का थ्री है फोर्टीन का टू है ठीक है फिफ्टीन का क्या करेक्ट आंसर है फिफ्टीन का थ्री है सिक्सटीन का वन सेवेंटीन का थ्री ओके okay. उसके बाद क्या है तुम्हारा एटीन एटीन का क्या आंसर है एटीन का फोर नाइन्टीन का तुम्हारा वन टेन ट्वेंटी का टू तो ये तुम्हारा क्या है आंसर की भी मैंने बता दिया विद एक्सप्लेनेशन मैंने बताया एंड वन सेगैंड मैं आपको बोलूँगा एक वीडियो में बनाऊंगा अपने कोर्सेज के रिलेटेड आप देखना जो भी आपके लिए अफोर्डेबल है आप उसके अकॉर्डिंग एंड आप कितना सीरियस हो क्योंकि हमारा मुझे इतना पता है कि हमारा सारा कोर्सेज़ अफोर्डेबल है मैं जिस तरह का लाइक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ मेरे कोर्सेज भी उसी तरह का होता है अगर मैं आपके जगह होता तो जिस कोर्स को मैं आराम से अफोर्ड कर सकता हूँ उस तरह का कोर्स ही हम लोग लॉन्च करते हैं तो सारा कोर्सेज़ अफोर्डेबल है आप कितना सीरियस हो इस एग्ज़ाम के लिए आप कितने अच्छे से इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप हमारा डिटेल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही ये फर्स्ट पार्ट था इस सीरीज़ का सेकेंड पार्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड को तो डिस्कशन करेंगे बहुत जल्दी तो मिलते हैं अगले वीडियो पर थैंक यू